राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र का मतदाताओं का क्या है रिझानिया जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची देवरी। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर देवरी की। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हमारी चाय की चौपाल आज पहुंची है गढ़चिरौली जिले के देवरी इलाके में। ये लोकसभा का एक क्षेत्र है, यहाँ पे दो उम्मीदवार खड़े हैं लोकसभा के, जो चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी चाय की चौपाल की सारी टीम इसलिए पहुँची है ताकि हमने जिस तरह अभी तक भंडारा गोंदिया जिले के जो लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है उनके बारे में उनके विचार जाने, उनके उम्मीदवारों के बारे में, तो हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं कि गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र के देवरी में लोगों का क्या ओपिनियन है अपने उम्मीदवार को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, हम यहाँ पे लोगों से उनके व्यूज लेने की कोशिश करेंगे। सर, 11 तारीख को इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। तो आपको क्या लगता है आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार मतलब लोगों की जो समस्या है आने और कर्मचारियों की जो समस्या है, बेरोजगार लोग है, उनकी जो कुछ भी समस्या है वो सॉल्व करने को होना। तो इस क्षेत्र में, देवरी क्षेत्र में कौन ऐसा उम्मीदवार है दोनों में से? आता अभी ये तो पता नहीं, पर बाद में तो विकास कार्यों को मद्देनजर अगर रखे तो। विकास कार्य को मद्दे रखकर रखते हो तो उसंडी साहब ऐसे लगते हैं। उसंडी साहब, यस, धन्यवाद। 11 तारीख को वोटिंग करेंगे सर? हाँ जी, हाँ। तो आपका उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? आपका उम्मीदवार विकास के ऊपर, विकास अच्छा कर रहा है और सामाजिक जो काम करता है इसके ऊपर अपने को मतदान करना है। तो यहाँ पर जो दो उम्मीदवार है, यहाँ पर टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है दोनों में से कौन सा उम्मीदवार प्रबल है? हमको उशंडी जो है ये प्रबल उम्मीदवार है और उसी को मतदान करना चाहती है। वो यहाँ का नेतृत्व अच्छे से कर सकता है? बहुत बढ़िया करता है और अच्छा करेगा। हम भी उशंडी साहब को, उशंडी साहब को करेंगे। तो आप वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग करेंगे ना। आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, तो आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार बाजी मारेगा? बाजी मारेगा कांग्रेस। हमारा लिखा पढ़ा EMD है और लिखा पढ़ा उम्मीदवार है और अशोक नेती जी को हमने दिए थे एक बार चुनकर, लेकिन वो अशोक नेती जी का फोटोज देख रहे हम लोग, लेकिन वो यहाँ पे कोई भी आता नहीं और कोई विकास करता नहीं और विकास आज तक देवरी का हुआ नहीं और ये क्षेत्र का भी नहीं हुआ। इसलिए लिखा पढ़ा हमारा उशेंडी साहब है और अच्छा वर्कर है, EMD है, लेकिन वो पढ़ने वाला EMD उशेंडी साहब को हम मतदान करेंगे। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, किस तरह देखते हैं चुनाव को? नहीं, चुनाव तो हमारा जो यानी संवैधानिक फर्ज है कि वोटिंग तो करना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है, मैं एक यानी ग्रेजुएशन फैमिली से हूँ, मेरे दो बेटे IT इंजीनियर है, लेकिन आज के ज़माने में जो चौथा कक्षा पढ़ा होता है और जो एक डिग्री लेने वाला उसको सलाम करता है तो लिखा शर्म की बात है। हाँ, तो ये शर्म की बात है, इसलिए जो विधायक है या जो भी नेता हो वो पढ़ा लिखा हो कि वो समाज के प्रति कुछ भावना व्यक्त कर सके और उसकी डिग्री का वो बेनिफिट ले सके, बस इसलिए लिखा पढ़ा उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। कोई इलेक्शन है सर, आप वोटिंग करेंगे? हाँ, करेंगे ना। आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? सबके लिए सोचने के लिए अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की बहुत जोरदार टक्कर है, तो आपको क्या लगता है कौन चुन के आएगा? शायद कट्टे की टक्कर रहेंगी दोनों में। ओ देखो, सभी उम्मीदवार जितने के लिए खड़े हुए हैं उनमें से जो एबल हो वो तो आएगा ही जीत के, लेकिन पार्टी कोई भी हो, हम तो ये चाहते हैं कि देश का शासन और सत्ता अच्छे से ढंग से चलाए, जो भी देश के जो जनता है उनको न्याय मिल सके और रोजगार मिल सके। आप वोटिंग करेंगे? हाँ, करेंगे ना। किस तरह का नेता देखते हैं आप? पढ़ा लिखा हो और सर्वसाधारण लोगों के समस्याओं के बारे में जानकार हो। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नेता है जो पढ़ा लिखा है और सर्वसामान्य जनता के बारे में सोचता है? डॉक्टर नामदेव हुसैन जी के बारे में हम लोग
यानी इसके पहले जो नेता के बारे में सोचे थे, लेकिन वो हमारी कोई समस्या हल करने में सक्षम नहीं रहा, यानी उन्होंने विकास नहीं किया, नहीं किया, इसलिए हम अभी इसके बाद दूसरे को चांस देना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर हुसैन डी को यानी चुनाव में जिताना चाहते हैं। इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? हाँ मैम, करेंगे। किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार एक सच्चा है, जो काम कर सके देश के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो सच्चा काम करता है? अभी तो हम बता नहीं सकते क्योंकि सब यानी यहाँ कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है बहुत। हाँ, कांग्रेस और भाजपा और भी पक्ष है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ज्यादा टक्कर, ज्यादा टक्कर उनकी। धन्यवाद। आप करेंगे वोटिंग? हाँ, वोटिंग करेंगे। किसको देंगे? अभी मालूम नहीं, अभी पता चलेंगे कल जी, वोट देने के बाद डिसाइड होगा। हाँ, 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? हाँ। कैसा नेता होना चाहिए? अपन नरेंद्र मोदी जैसा। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? मोदी। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? मोदी, मोदी। धन्यवाद। इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? मोदी। वोटिंग करेंगे? करेंगे। कैसा होना चाहिए नेता? मोदी जैसा। 11 तारीख को वोटिंग करेंगे, नेता कैसा होना चाहिए? जो देश की सेवा करने वाला। तो आपको क्या लगता है इस देवरी में कौन ऐसा नेता है? बीजेपी सरकार। तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करोगे? कैसा होना चाहिए आपका नेता? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ रोजगार मिल रहा है बराबर? हाँ जी। वोटिंग करोगे? हाँ। कैसा होना चाहिए नेता? अच्छा होना चाहिए। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करोगे? हाँ। आपका नेता कैसा होना चाहिए? अभी कोई बता नहीं सकते ना हम वैसे। तो विकास वगैरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है देवरी में ऐसा कौन सा नेता है जो विकास को ध्यान में रख के काम कर रहा है? अभी तो वैसे हम कोई नेतागिरी में तो गए नहीं मैम। हम तो बस आप वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग तो करेंगे, लेकिन हम अभी बता नहीं सकते किसको करेंगे। जी जी। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कैसा होना चाहिए नेता? नेता यानी सभी के लिए झटने वाला, गरीबों के लिए सब सुविधा, अपने देश के लिए। गढ़चिरौली जिले के देवरी में कौन सा ऐसा नेता है जो ऐसा सोचता है? अभी उतनी तो जानकारी, पहली बार जो खड़े हुए हैं अभी नए इसमें, तो उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है। नए में से किसी को देंगे? हाँ। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? हाँ जी। तो आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए? मोदी जैसी होना चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? मोदी जैसा। सरकार कैसी होनी चाहिए? मोदी जैसी होना चाहिए। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करोगे? हाँ जी, सर करूँगा ना। तो किस तरह का नेता होना चाहिए? आप जो भी बोलो, अपना तो बीजेपी पहले से है। मोदी सरकार। कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी। कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार। नरेंद्र मोदी जैसा। तो नरेंद्र मोदी का काम आपको पसंद आया? बहुत ही बहुत बढ़िया। अभी मतलब ये कांग्रेस का जो भी 45 साल का ये हुआ, उस पर इसके 5 साल बहुत यानी बहुत भारी, जो इंडिया डेवलप हो रहा है, मतलब अपनी जो अभी अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, ये मोदी के आने से। इसके अगर कांग्रेस ही बैठ जाती वही तो और नीचे। आपको ऐसा लगता है विकास होगा? विकास होगा और बहुत होगा अगर कांग्रेस की सरकार बैठती है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, हकीकत में ये देश पप्पू ही होने वाला है फिर। धन्यवाद। तो चांस ही नहीं है राहुल गांधी के इसमें। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। किसको वोट देंगे? मोदी सरकार। किसको वोट देंगे? कमल को। कमल को, धन्यवाद। हम भी कमल वाले। कमल वाले, धन्यवाद। आने वाले और एक रेजिम में बीजेपी की सरकार आएंगी 5 साल के लिए, और अभी तो आएंगी, अगले 5 साल के लिए और बीजेपी की सरकार आएंगी। जी जी, धन्यवाद। तो अभी जो लोग वोटिंग करने वाले हैं पहली बार, अभी आपने इतना बोला कि और 5 साल यानी 10 साल का आप टाइम दे रहे हैं मोदी को, तो अभी जो लोग पहली बार वोट करने वाले हैं, बच्चे 18 साल के, जो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो बीजेपी सरकार आना चाहिए और अगले रेजिम में भी आएंगी। पूरा अनुभव है, पैसा का भले ही कांग्रेस कितना भी खर्च करे, कितना भी कुछ भी करे, फिर भी बीजेपी की सरकार आएंगी। लड़के भी 18 साल के हैं, तो उनको भी फूल कुछ दे दो, बोलूंगा अपन पहले से फूल वाले। तो आप उनको बोलेंगे आप फूल को दो? हाँ। क्यों बोलेंगे ऐसा? नहीं, लेकिन अपना पहले से अपन उसको देते आ रहे हैं ना, पहले से देते आ रहे हैं इसलिए देंगे, या विकास कर रहे हैं इसलिए देंगे? कर रहे हैं ना जी, विकास कर रहे हैं, विकास दिख रहा है इसीलिए मोदी जी को हम देंगे। हमने यहाँ पे अभी गढ़चिरौली जिले के देवरी में लोगों के मन की इच्छाएं जानी, लोगों के मन की बात जानी, लोगों का कहना ऐसा है यहाँ पर मोदी सरकार। अब कौन सा नेता
और कौन सा पक्ष अपना यहाँ पे स्थान स्थापित कर सकता है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे डिसाइड करने वाले हैं। नतीजे जब आएंगे तब ये चीज़ नियत होगी कि यहाँ पे कौन सी सरकार होगी। आगे की खबर के लिए आगे की जगह पे हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र का जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।